विद क्रीम सॉस। सबसे पहले आपको लास्ट चाहिए, ये तकरीबन 150 ग्राम ईच है। उसके अलावा जो चीज़ें हमारे पास हैं, एक आपने ऑनियन लेना है, उसको फाइन चॉप कर लेना है। सोल्टे टोमेटो चाहिए, ड्राई टोमेटो, 1 लाइम का इस्तेमाल होगा और व्हिपिंग क्रीम होगी। और ये आलू उसके साथ फ्राई करेंगे, थोड़ा सा गार्लिक का यूज़ होगा, ऑयल यूज़ होगा और थोड़ी सैलड यूज़ होगा। इसको दोनों तरफ नमक और मिर्च लगा, काली मिर्च लगा के मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऐसे ही जो है ना, जो वेस्टर्न खाने वो ऐसे ही बनते हैं जल्दी जल्दी। 5 से 6 आलू लेंगे, इनको पानी में डालेंगे और 1 टेबलस्पून नमक डाल के इनको बॉईल कर लेंगे। एक पैन लेंगे, उसमें ऑलिव ऑयल यूज़ किया है मैंने, वो थोड़ा सा डालेंगे और मछली को डाल देंगे। और इसको अच्छे से कलर देंगे, 3 से 4 मिनट दोनों साइड पे। दोनों साइड से अच्छे से कलर देना। ये आप देख सकते हैं, ये अभी आधे तक आएगी जिसको हम चेंज कर लेंगे। अभी इसको कलर देना है, बहुत अच्छा सा कलर आया है। अभी हमने स्किन साइन डाउन करनी है और एक लॉय लेके, गार्लिक लेके इसको तोड़ के ऐसे फेंक देना है आगे उसका जो जी। दोनों साइड से अच्छे से कलर आ चुका है, अभी हम इसको निकाल लेंगे। और साथ जी पैन में ऑनियन डाले, ऑनियन डालिए थे, इनको हम थोड़ा सा सोटे करेंगे, बिल्कुल पकाना नहीं, बस थोड़ा सोटे करना है। इसमें थोड़ा नमक और गार्लिक डाल के इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। ठीक, गार्लिक भी डाल दिए, अभी इसको हम थोड़ा सा सोटे और करेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ी काली मिर्च और नमक टू टेस्ट आप डाल सकते हैं जी। नमक और काली मिर्च भी डाल दिए, तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट आपने ऐसे ही हिलाते रहना है ताकि ये गार्लिक भी और ऑनियन भी सही से पक जाए। इस मौके पे आके आपने इसमें क्रीम डाल देनी है जी। क्रीम डाल के आपने इसको कंटिन्यूस पकाना है। जी ये क्रीम अच्छे से हो गई थी, अभी मैंने इसमें लक्स डाल दिए और जो आपका ये जूस बचा ये भी इसमें डाल दें और इसको 3 से 4 मिनट और पका लें। ये बस जितनी गाढ़ी आपको चाहिए, अभी आप देख सकते हैं इसकी थोड़ी सी और गाढ़ी होगी तो मैं इसको उतार लूँगा जी। एक पैन में पानी लेंगे और पानी को फुल बॉयल करके 1 टेबलस्पून नमक डाल के ब्रोकली इसमें डाल देंगे और ब्रोकली को जो है ना थोड़ा सा हिला के 2 से 3 मिनट, ये 2 से 3 मिनट के लिए जी। इस मौके में आके इसका पानी निकाल लेंगे और इसको ठंडे पानी में एकदम डाल देंगे। अगर आप नहीं डालेंगे तो ब्रोकली और कुक हो जाएगी। इसको जो है ना पानी अच्छे से निकाल लेना है, खुश कर लेना है। और इसके अलावा आपको मोज़रेला चीज़ चाहिए होगी, थोड़े टमाटर चाहिए होंगे और 1 लाइम और थोड़े से आलू बॉईल किए हो और ड्राई टमाटो। अभी इसमें नमक और थोड़ी काली मिर्च डाल लें, ये नमक डाल लिया। अभी इसमें टमाटर, आलू ड्राई ऐसे, इसके ऊपर लाइम, थोड़ा ऑलिव ऑयल, अच्छे से मिक्स कर लें। और ये मोज़रेला हाथ से काट के इसके ऊपर डाल दूंगा। ये तो मेरे पास थोड़े से रॉकेट थे, वो मैंने डाल लिए और बेबी स्पिनेट डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आपकी बेसिक सलाद।